मुंबई महानगर पालिका के उप महापौर श्री शिवाजी वाडकर साहब, उनके साथ है श्री संदीप यादव साहब। कृपया आप ओपनिंग के लिए हम लोग आपका स्वागत करते हैं, आप आइए सर। जैसे ही फीत कटी जाएगी वैसे ही सब लोग तालियों की गुंज से हमारे महापौर साहब का स्वागत करेंगे। प्लीज यहाँ से सब लोग जाओ प्लीज दादा। अरे बहुत सारे लोग बहुत सारे इंद्र यहाँ से हटो नहीं सर, हम अभी यहाँ से भगाओ, इधर खाली कमेटी मेंबर की है प्लीज। हमारी महिला सत्ता प्रमुख प्रज्ञा रामा जी के हस्ते उनका स्वागत किया जा रहा है, ऑप्शन ऑप्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हाथ लगा करने जा रहे हैं, पदाधिकारी सके हाथ लगा। शुभ कार्य का शुभारंभ बोला गणपति बप्पा। जिनको फॉर्म पहले मिला है और उन्होंने कोड नंबर डाला है वही बंदे अंदर आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उनको मिलेगा बस। जाकिर भाई खाले मजदूर यूनियन का मजदूर यूनियन का एक लाइन लगी की पूरी, उनको देखो उनको हमारे वाले से समझाएंगे कैसा फॉर्म भरने का। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। अरे सर नहीं मिल रहा, हो जाओ लाइन में खड़ा हूं यहां पे। हालात मजदूर वाला बोले ये बाजू आ जाओ। ए ए चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर निकालो, जो भी घुसेगा उसको निकालो, उधर निकालो, निकालो बाहर जाओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ए कुर्सी वाले उनको बाहर करो, उनको उनको बाहर। अरे वो
जाएगा, इंडियन का जाएगा, एक ही बैंक का जाएगा। हेलो सुनो, इधर सुनो, इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो, इधर ध्यान से सुनो, इधर ही खड़े रहो, जैसा भेजूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर गर्दी हो जाएगी तो बंद होएगा, इधर का एक छोड़ेगा, उधर का एक छोड़ेगा, बराबर है? हम लोग इंसान है तो इंसान की तरह रहे। जाओ जाओ उधर 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 जाओ प्लीज। पर साहब यहाँ पहुंच गए हैं, उनको सही दिन से सब वीरवंदा को बोल रहा हूँ, ताली के साथ उनको स्वागत किया जाए, एकदम कर करा के इक्कर साहब को स्वागत किया जाए ताली के साथ। सभी से निवेदन है कि आप मास्क लगाएंगे चेहरे पे, आपको सभी को एक सूचना है कि आप सभी लोग मास्क लगाएंगे। शासन की ओर से जितने भी नियम हैं वो सब नियमों का पालन करके आज का प्रोग्राम यहाँ पर मनाने वाले हैं। फिल्म स्टूडियो से लाइव बंदर दुनिया का 39वां मतदाता दिन यहाँ पर बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस कोविड के युग में हम लोग चल रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पर मास्क परिधान करेंगे। दोस्तों आज इस मंच से इस सभी साथियों के साथ ये 39वां समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर हमारे लाडले नेता हमारे सम्माननीय सांसद श्री गजानंद जी कृतिक साहब रहने वाले लाडले भाव इनका यहाँ पर अर्पण हुआ जोरदार तरह से हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे सम्माननीय कार्य सम्राट तथा मुंबई महानगर पालिका के माननीय महापौर श्री सुनील प्रभु साहब इनका भी यहाँ पर अर्पण हुआ जोरदार तरह से इनका स्वागत करेंगे। हमारे सम्माननीय आगरा श्री श्रीमान प्रकाश सुबे साहब इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हम जोरदार तरह से स्वागत करेंगे। मुंबई महानगर पालिका के उप महापौर श्रीमान एडवोकेट सुभाषी वाटर साहब इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करेंगे। सम्माननीय हमारे कार्य सम्राट नगर सभा तुलसी रांची सिंधे साहब इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं सभी नेताओं से विनती करता हूँ कि आप मंच पर सम्माननीय हमारे ठाकुर साहब इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रेम सिंह ठाकुर साहब इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि सभी महानुभाव मंच पर जोरदार तालियों के साथ बधाई। उसी तरह यहाँ पर हमारे कैलाशवासी राजू साहब के साथ की फैमिली यहाँ पर परिवार आया है। मैं मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी सोनाली मैडम आप मंच पर बधाई। आप सभी महानुभाव से विनती करता हूँ कि आप मंच पर आ जाए। व्यर्थ न हो बलिदान। हमारे यहाँ डायरेक्टर राजस्व के साथ अमर रहे की घोषणा यहाँ पर निर्धारित चाहिए क्योंकि उनका बलिदान हम व्यर्थ न जाने देंगे। यहाँ पर सम्माननीय हमारे सांसद अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि
सब प्रोग्राम की यानी सभी प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है दीपक प्रज्वलन से ही। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दीपक प्रज्वलन करके आज के इस 39वें वर्धापन दिन की शुरुआत की जाए। मुंबई शहर के उप महापौर एडवोकेट सुहाजी वाडकर साहब, प्रेम सिंह ठाकुर साहब, इन सभी के हाथों से, उसी तरह हमारे सोनाली काजू साहब के मैडम, इनके हाथों से इस दीप प्रज्वलन की शुरुआत कर रहे हैं। सन्माननीय नगर सभा तुलसीराम जी शिंदे, सन्माननीय हमारे निशांत जी सतपाल और अध्यक्ष सभी के हाथों से इस समारोह में पधारे हैं। हमारे निशांत को सतपाल जी ने कहा था कि सभी मेहमान आएंगे और सच में आज के इस 39वें प्रोग्राम में सभी का आगमन हुआ है। हमारे अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर साहब, सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान हो जाएं। सम्माननीय हमारे लाडली नेता विद्या दही चौहान, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से हम ताई का यहाँ पर स्वागत करेंगे और भाई से अनुरोध है कि मंच पर पधारें। विद्या दही से यह निकले हार्दिक स्वागत सम्माननीय आमदार विद्या दही चौहान। विनंती करे आपण ही दीप प्रज्वलन करावं। या महाराष्ट्राच्या परंपरेला अनुसरून या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करण्यात येत आहे। उपस्थित मान्यवर सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। सभी अतिथियों का यहाँ पर फिल्म स्टुडिओ सेटिंग एंड अलाइड मधुर यूनियन की ओर से यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। लक्ष्य लक्ष्य दीपों से सजा हुआ आज का यह 39वां समारोह और सभी समारोह में पधारे हुए सभी भाई और बहनों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती, आपण या ठिकाणी उभं राहायचं फोटोसाठी आणि सर्वांनी दोन बोला मजदूर युनियन, मजदूर युनियन, और सभी ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजाएंगे। ये निशानी है विजय की और आज ये 39वें समारोह में हम जो शुरुआत ही ऐसे की है कि सभी मेहमान यहाँ पर आके हमें एक खरियाने असं नेतृत्व आम्हाला लाभलं ते म्हणजे राजू सामते साहेबांसारखं, ज्यांनी
या बंडाला खऱ्या अर्थाने विरोध केला, ज्यांनी बंड खऱ्या अर्थाने उभारला. आज आपल्यामध्ये नाहीयेत परंतु सदैव त्यांची आठवण आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. राजू भाऊ आज तुम्ही आमच्यामध्ये नाहीयेत परंतु प्रत्येक वेळी तुमची आठवण येत राहणार आहे, कारण की तुम्ही या हुकूमशाही विरुद्ध तुम्ही एक आवाज उठवला. आज तो आवाज या सर्वांच्या साक्षीने पुढे आम्ही नेणार आहोत. त्यासाठी साथ पाहिजे प्रेमसिंग ठाकूर साहेबांना, निशांत सकपाळ साहेबांना, तुमच्या सगळ्यांची. आप सभी साथ चाहिए. म्हणून मी सर्वांना विनंती करेन की आपण कैलासवाची राजू साबदे साहेबांना उभं राहून 2 मिनिटं या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करूया. शांत उभं राहून सर्वांनी श्रद्धांजली द्यायची. फिल्म स्टूडियो सेटिंग जिनके हाथों से बड़े बड़े सेट तैयार किए जाते हैं और जो सेट देख के हम फिल्मों में बड़ा आनंद उठाते हैं. हम यहाँ ताजमहल भी दिखाते हैं, हम यहाँ लाल किला भी दिखाते हैं, हम पुराने पुराने मंदिर भी यहाँ पर खड़े करते हैं, क्योंकि ये खड़े करने वाले हमारे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के हाथ होते हैं. हमारे सम्माननीय अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर साहब, सम्माननीय सचिव निशांत सतपाल साहब, इनके हाथों से हाथ मिलाकर हमारे विजय सिंह खाड़गे मिस्त्री साहब है, हमारे थले साहब है, ऐसे बहुत से आर्ट डायरेक्टर है कि उनके साथ मिलकर आप बड़े बड़े काम करते हैं. तो आज ये खुशी की बात है कि 39वां ये समारोह हम बड़े धूमधाम से हमारे लाडले नेताओं के साथ यहाँ पर मनाया जा रहे हैं. आज सुबह यहाँ पर सम्माननीय मुंबई महानगर पालिका के उपमहापौर एडवोकेट सुहाजी वाडकर साहब के हाथों से शुभारंभ करके वैक्सीन हम यहाँ पर शुरुआत की गई, क्योंकि कोविड का जमाना है और हमें बचना है और बच के रहना है, इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है. इसलिए फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलर्ट मजदूर यूनियन की ओर से सभी हमारे कारागिरों को यहाँ पर हम वैक्सीन किए जा रहे हैं और उसका शुभारंभ एडवोकेट सुहाजी वाडकर साहब के हाथों से हुआ. इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए हमारे सम्माननीय हमारे लाडले सचिव श्रीमान श्रीमंत निशांत सतपाल साहब से विनती करता हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आपकी प्रस्तावना से किया जाए. जोरदार तालियां निशांत सतपाल साहब. स्वागत सोहळ्याला सुरुआत करूया. मी सन्माननीय फिल्म स्टुडिओ सेटिंग एंड अलाड मजदूर युनियनचे सन्माननीय सचिव सेक्रेटरी श्रीमान निशांत सतपाल साहेबांना विनंती करतो की आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार श्रीमान श्रीमंत गजानन जी कीर्तिकर साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. जोरदार ताली होनी चाहिए. तालियों की गूंज होनी चाहिए. आज हमारा उत्तीर्ण हमारे सचिव उसी तरह मैं विजय जी शिरगांवकर साहब से अनुरोध करता हूँ कि सन्माननीय आमदार सुनील प्रभु साहब का यहाँ पर सम्मान किया जाए. सन्माननीय हमारे लाडले नेता विद्याधरी चव्हाण, इनका सम्मान जाकिर भाई के हाथों से यहाँ पर हो जा रहा है. जाकिर भाई सन्माननीय सुनील प्रभू साहेबांचा सत्कार या ठिकाणी विजयजी शिरगावकर साहेबांच्या हस्ते होते. सन्माननीय आमदार प्रकाश सुबे साहेब यांचा सन्मान अर्जुन सिंह आणि तेजल साहेब यांच्या हस्ते करण्यात येत आहे. सन्माननीय आमचे लाडके आमदार विलाजी पोते साहेब यांचा सन्मान सन्माननीय चांद शेख यांच्या हस्ते करण्यात येत आहे. सन्माननीय शरद राणे साहेब यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय उपमहापौर ॲडव्होकेट सुहास वाडकर साहेबांचा सन्मान करावा. अर्जुन देवळे साहेबांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करावा. मी सन्माननीय नगरसेवक तुळशीरामजी शिंदे साहेब यांचा सन्मान करावा अशी विनंती करतो. सर्व मान्यवरांना विनंती आपण विराजमान व्हावं. नगरसेवक
तुळशीरामजी शिंदे साहेब यांचा सन्मान करावा. त्यानंतर सन्माननीय श्रीमती सोनाली राजू साप्ते मॅडम यांचा सन्मान करावा अशी विनंती मी सन्माननीय सचिव निशांजी सकपाळ साहेबांना आणि अर्थात लाडके आमचे खासदार गजाननजी किर्तीकर साहेबांना विनंती करतो की आपण सोनाली राजू साप्ते मॅडम यांचा सन्मान करावा. इतर मान्यवरांचा आपण सत्कार सोहळा थोड्याच वेळात करणार आहोत, परंतु आपले लाडके आमदार सुनील कुरुंबे साहेबांना पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी जायचं आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी सन्माननीय आमदार सुनील कुरुंबे साहेब शुभेच्छा देत आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष अर्थात फिल्म स्टुडिओ सेटिंग यांना लढे मजूर इंडियन यांचा सन्मान सन्माननीय खासदार गजाननजी किर्तीकर साहेबांच्या हस्ते करत आहोत. जोरदार टाळ्या प्रेमसिंग ठाकूर साहेबांसाठी. मी सन्माननीय सुनील प्रभू साहेबांना विनंती करतो की आमचे सचिव निशांजी सकपाळ अर्थात बुवांचा सत्कार या ठिकाणी करावा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. शरद राणे साहेब यांचा आहे देखील या ठिकाणी आपण सन्मान करतो. सन्माननीय कायदेशीर सल्लागार शरदजी राणे साहेब यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान. सन्माननीय कार्याध्यक्ष अडेलजी मोरे साहेब यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करत आहोत. अडेलजी मोरे मी भाऊंना विनंती करेन आपण त्यांचा सन्मान करावा. मी सन्माननीय शाखा प्रमुख संभाजी बोरे साहेब सन्माननीय संदीपजी जाधव साहेब यांना विनंती करतो सर्व शाखा प्रमुखांना की आपण व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. मी सर्वांचा सन्मान करावा अशी विनंती या ठिकाणी मी सन्माननीय सचिव निशांजी सकपाळ साहेब आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना करत आहोत. प्रशांतजी गोलप समृद्धी शिर्के सर्वांना विनंती आपण व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. प्रशांतजी गोलप साहेब आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर. युवा सेनेचे निमंत्रक प्रथमेची समृद्धी शिर्के यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचं. उत्तर भारतीय एकता मंचचे आमचे यादव साहेब यांना विनंती आपण व्यासपीठावर यायचं. एस आर यादव साहेब हरिचंद्र यादव साहेब आपसे भी निवेदन है की आपण मंचवर आ जाए. सन्माननीय गोलप साहेब आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. सन्माननीय वाहतूक सेनेचे इरफान भाई आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. इरफान भाई मंच पर आ जाइए. महिला शाखा प्रमुख पद्मताई रावत आपणास विनंती आपण देखील व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. शिर्केजी आपण देखील व्यासपीठावर यायचे. यानंतर आपल्याला संबोधित करत आहेत आमचे लाडके आमदार सुनीलजी प्रभू साहेब. फिल्म स्टुडिओ सेटिंग अँड अलाइड मजदूर युनियनच्या आजच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वप्रथम कैलासवासी राजू शाप्ते यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आणि मंचाच्या वतीने मी आदरांजली व्यक्त करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक शिवसेनेचे नेते आणि खासदार सन्माननीय गजानन किर्तीकरजी, मंचावरती उपस्थित असलेल्या
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विधान परिषदेच्या सन्माननीय सदस्य आमच्या सहकारी विद्याताई चव्हाण या युनियनचे अध्यक्ष ज्यांनी एक प्रचंड ताकद या युनियनच्या निवडणुकीमध्ये दाखवली आणि प्रचंड असं बहुमत ज्यांना मिळालं ते आपल्या सगळ्यांचे आधारस्तंभ प्रेमसिंगजी ठाकूर या युनियनचे सरचिटणीस निशांत संपाळ माझे सहकारी आमदार विलासजी पोतनीस सन्माननीय आमदार प्रकाश सुर्वेजी उपमहापौर सुहास वाडकर नगरसेवक तुळशीराम शिंदे यांच्यावरती बसलेले सर्व या विभागातील शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसचे सर्व निमंत्रित सन्माननीय पदाधिकारी बंधू आणि भगिनी माझ्या भाषणानंतर खरा कार्यक्रम सुरू होणार आहे परंतु आदित्यजी गोरेगाव पश्चिमेला येतात आणि त्यांना त्या ठिकाणी स्वागतासाठी मला जायचं आहे म्हणून मी सन्माननीय कीर्तिकर साहेबांची परवानगी घेऊन मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की या युनियनला 39 वर्ष झाली 39 वर्षामध्ये ज्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये एक प्रचंड अशी ताकद या युनियनने निर्माण केली आणि ही ताकद आपल्या सोबत असताना ज्या पद्धतीचं काम या युनियनमध्ये काही ठराविक व्यक्तींनी गुंडागर्दी करून दादागिरी करून एक स्वतःच्या आडमुठ्या स्वभावामुळे जे काम केलं ते आपल्याला सगळ्यांना ज्ञात आहे आणि त्यामुळे दुर्दैवाने राजू साप्ते यांचा एक बळी या ठिकाणी गेला हे आपण कधीही विसरलो नाही. पण आज या मंचावरून सन्माननीय गजानन कीर्तिकर आहेत आमच्या विद्याताई चव्हाण आहेत सर्व राजकीय पक्षाची मंडळी आहे की ट्रेड युनियन ही कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी असते ट्रेड युनियन ही कामगारांच्या ठिकाणी पाठिंबा देण्यासाठी असते आणि या मजदूर युनियनच्या वतीने जे काम कामगारांसाठी या चित्रपट नगरीमध्ये चालतं त्याच्या पाठीमागे पूर्ण ताकद ही शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आहे हे सांगण्यासाठी आम्ही या मंचावर सर्व मंडळी उपस्थित आणि त्यामुळे यानंतर दादागिरी चालणार नाही यानंतर राजू साप्ते सारखे बळी जाणार नाही तर पूर्णपणे ताकद या ठिकाणी काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची ही आपल्या पाठीमागे आहे आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये काम करणार शरदचंद्र पवार यांच्या आशीर्वादाने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जे सरकार या महाराष्ट्रात आहे या सरकारचं पूर्ण ताकद आपल्या सोबत आहे हे सांगण्यासाठी आज आम्ही सर्व मंडळी उपस्थित आहोत आणि म्हणून मी माझ्या वतीने या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा आपल्याला देत असताना या युनियनचा एकही सभासद ज्याच्यावरती अन्याय होणार नाही ज्याच्याबरोबर दादागिरी होणार नाही ज्याला इकडे असणाऱ्या युनियनच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडनं दादागिरी करून त्याला त्या ठिकाणी आडमुठे धोरण स्वीकारून त्याला त्रास होणार नाही ही सर्व जबाबदारी आमच्या सरकार लोकप्रतिनिधींची आहे आणि याद राखा आज साप्तेचा बळी गेलाय त्यांच्या मृत्यूला जे कोण जबाबदार असतील त्याला कायदा सुव्यवस्थेच्या आणि न्यायालयाच्या त्या ठिकाणी कोठडीत उभं करून त्याच्यावरती त्याला शिक्षा केली जाईल सन्माननीय गजानन कीर्तिकर यांनी आवाज उठवलाय विद्याताईने आवाज उठवलाय आम्ही सर्व आमदार त्यांच्या सोबत आहोत विधानसभेमध्ये जेव्हा चर्चा झाली त्यावेळेला विधानसभेत उभं राहून जे साप्तेच्या मृत्यूला कारणीभूत आहेत त्यांच्यावरती त्यांना तिकडे कारवाई होऊन ते गजाआड झाले पाहिजे त्यांना पाताळ झालं पाहिजे तिकडे असणाऱ्या आमच्या सर्व शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी घेतली होती आणि माननीय गृहमंत्री सन्माननीय दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील सांगितलेलं आहे की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये साप्तेंच्या मृत्यूला जे जबाबदार असतील जो साप्ते जी के मृत्यू के लिए जो जुम्मेदार होंगे उनके ऊपर कारवाई होगी ये माननीय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील जी ने कहा है और आने वाले दिनों में आप सभी के साथ में रहकर हम सबको
आपको सहयोग देना है, आपको बढ़ावा देना है और यूनियन के जो भी कोई प्रश्न होंगे यूनियन के माध्यम से लड़ने का काम सम्मानीय ठाकुर साहब और निशा जी सकपाल जी करेंगे और उनको ताकत देना ये हमारा धर्म रहेगा। हम सारे यहाँ के संसद विधायक राष्ट्रपक्ष के कार्यकर्ता आपके साथ में है और इसलिए हम ये ही कहेंगे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मजदूर मजदूर यूनियन, हम सर मजदूर यूनियन, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमसे जो टकराएगा एवढंच सांगतो आणि आम्ही रजा घेतो। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। सन्माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथी आणि विजयताई मला पुढे जायचं आहे कार्यक्रमाला, आपण मला परवानगी द्याल। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु साहब, आपने जो हमारे वर्कर को मार्गदर्शन किया और जैसा मैं भाई लोग आपको बोला था 15 अगस्त के दिन हमारे ऊपर इसके बाद अत्याचार नहीं होंगे, आप मुझे साथ दो, मैं आपको न्याय दूंगा। मैंने जैसा वादा किया था कि सरकार को अपने साथ लाऊंगा, आज हमारे आघाड़ी सरकार के हर एक प्रतिनिधि ये मंच पे विराजमान हुए हैं, इनके लिए जोरदार डले हो जाने चाहिए। और आपको सबको ज्ञात है सुनील प्रभु जी हमारे शिवसेना के गठन नेता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं मराठी में एक बात बोलता हूं, काही लोक हमारे मुख्यमंत्री जी है उद्धव ठाकरे जी वो बोलते हैं मराठी में अभी करून दाखवलं आणि वो करके दिखाते हैं, लेकिन कई लोग है अभी करून दाखवलं आणि काही लोकांनी आम्हाला वरून दाखवलं गाजर। इसलिए मैं भाई लोगों से अनुरोध करता हूं प्रभु साहब, हम आप लोगों से आप गठन लेते हैं, प्रभु साहब को जाना है इसके लिए मैं बीच में बोल रहा हूं, उनको टाइम नहीं है, आगे की मीटिंग है, प्रभु साहब को मी सन्माननीय अर्जुन सिंह जी आणि तेजल साहेबांना विनंती करतो की सन्माननीय कार्यसभा आमदार सुनीलजी प्रभू साहेबांचे या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मान करावा। जोरदार ठेवून जाऊ द्या अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि आज का ये जो समारोह यहाँ पर हो रहा है, जो स्टूडियो यहाँ पर उपलब्ध करके दिया है, अर्जुन सिंह के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहिए। आणि धन्यवाद साहेब, आपण आज वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला, तर फक्त उपस्थित राहिला नाही तर एक नवचेतना या कामगारांमध्ये या ठिकाणी निर्माण केली, म्हणून एकदा जोरदार मेळा सुनील प्रभू साहेबांचे झाले। मित्रांनो, खरंच आहे की आज या ठिकाणी प्रभू साहेबांनी सांगितलं की आम्ही सर्व तुमच्या सोबत आहोत, ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने एकच मला असं वाटतं की लोक म्हणतात विद्याताई पण या ठिकाणी आहेत, आमचे सन्माननीय आमचे भाऊ या ठिकाणी आहेत, एकच मला असं वाटतं की या जगामध्ये आपण म्हणतो देवांना आणि देवांमध्ये आपण म्हणतो ब्रह्मा विष्णू आणि महेशांना अर्थात त्रिदेवांना, की जिथंही त्रिदेव अर्थात ती त्रिनेत्र खऱ्या अर्थाने तीन माणसं एकत्र आहेत तीन पक्षाचे, त्यावेळी आमच्या पाठीशी भरभक्कम असं खऱ्या अर्थाने सपोर्ट या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे, म्हणून या तिघांचं ज्यावेळी आम्हाला पाठबळ मिळतं त्यावेळी आम्हाला कुठे डगमगायची आवश्यकता भासणार नाहीये। की ज्यावेळी आमच्या पाठीशी शिवसेना आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आहे, आणि जिथे खऱ्या अर्थाने फिल्म स्टुडिओ सेटिंग आणि आलेले मजदूर युनियनचे खंबीर नेतृत्व अर्थात आमचे निशाजी सकपाल साहेब आहेत आणि ज्यांच्यापासून आम्ही प्रेरणा घेतली ते अध्यक्ष प्रेमसिंग ठाकूर साहेब आहेत, म्हणजे आम्हाला डगमायचं नाहीये। खरं म्हणजे आम्हाला खूप विरोध होत आहे, परंतु त्या विरोधाला जुगारून आम्ही 39वा 16 करतोय। एक गाणं आहे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बरोबर आहे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बाकी के लोग क्या बोलते हो हमको नहीं सुनना है, हमें हमारे यूनियन के साथ ही रहना है और हमारे यूनियन के साथ चलना है। इसके बाद में सन्माननीय हमारे लांडे निशाजी सकपाल साहब से विनती करता हूं कि अभी आप अपनी प्रस्तावना बोल सकते हैं।
यहाँ पर मंच पर सभी नेतागण, मेरे गुरु गजानन कीर्तिकर जी, उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूं। गजानन कीर्तिकर जी का और मेरा नाता एक पिता पुत्र जैसा है। आज हमारे इन्हें अलाइन मजदूर इन्हें किसी पक्ष में अलाउ नहीं करती है और मेरे सामने सभी भाई बैठे हैं। आप लोग सोचे होंगे कीर्तिकर साहब कैसा है, प्रकाश सुर्वे जी कैसा है, विद्याताई कैसा है, कई नेतागण है, शिवसेना के हैं, राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं। गजानन कीर्तिकर जी को हम लोग इसलिए लाए हैं कि 2013 से 21 तक हमारे वर्कर भाई के ऊपर जुलूम हो गया है, हो गया क्या नहीं, वो मिटाना है क्या नहीं, आवाज नहीं आ रही है। इसलिए 3 साल पहले हमारे सांसद के नाते, हमारे गोरेगांव अंधेरी चौकशरी के सांसद गजानन कीर्तिकर जी हमारे यहाँ रहते हैं, फिल्म सिटी उनके मतदान संघ में आते हैं। तो हम वर्कर के तरफ से कई लोग जाके उनसे गुहार लगाया, साहब हम आपके छत्र छा के नीचे काम करते हैं, हमको न्याय दिलाओ। ये राक्षस से गंगेश्वर श्रीवास्तव, अशोक दुबे, राकेश मौर्या, ये समाज के दरिंदे है क्या नहीं, बी एन तिवारी। तो अगर इनको मिटाना है भाई, तो हमको सरकार साथ में चाहिए क्या नहीं, तो हम सरकार के साथ रहे। मेरा प्रकाश सुर्वे जी यहां पर आए हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे शिवसेना के आमदार विलास पोतनी जी, हमारी लड़ाऊ मैडम विद्याताई चव्हाण, हर बार हम लोग गए, हर बार उन्होंने हमको मदद की है। विद्याताई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। विद्याताई ने कभी अपना मैं इतनी बड़ी नेता हूं वो नहीं देखा, मेरे वर्कर का दुख दर्द देखा है। आज भी विद्याताई के पास हम लोग जाते हैं तो बोलती है, आप जिसके जिसके ऊपर जुलूम हो गया सामने आओ, मैं आपके लिए लड़ूंगी। इसके लिए विद्याताई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे मुंबई के उप महापौर सुवाजी वाड़कर जो हमारे साथ 3 दिन से हमारे अलाइड मजदूर यूनियन की मदद कर रहे हैं, हर तरह से बीएमसी बोलो, पुलिस बोलो और कहीं बोलो, एक मुंबई का, ये मुंबई नगरी का उप महापौर आपके साथ रात दिन काम करता है, तो इसके आगे हमारे साथ सरकार कैसी काम करेगी, ये आप सोचो। हमारी कई दिन पहले पत्रकार परिषद हो गई थी, मैं आपको आपसे वादा चाहता हूं, आप जैसा साहब से हम लोग गुहार लगा के हमारी मांगे रखने वाले हैं, मैं आप लोगों से भी एक मांग है, वर्कर लोगों से, ये सरकार के पीछे हम लोग डट के खड़े रहेंगे। तो मैं प्रतिनिधि, ये सरकार के प्रतिनिधि है, इनसे मेरा अनुरोध है, आज भी कहीं नरेंद्र हमारे राजीव जी सत्य के
आत्महत्या के दरिंदे बाहर घूम रहे हैं। तो प्रकाश जी सूर्य जी है, विलास पत्नी जी है, विद्याताई है, हमारी मांग है इन्होंने विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए और इनको जल्द से जल्द वापिस अंदर जाना चाहिए। हमारी मांग है ये कैसे बाहर घूम रहे हैं। अगर ताई सूर्य जी विलास जी अगर ऐसे होता रह गया तो कानून के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम सारे वर्कर से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हमारे कीर्ति घर साहब नहीं रहे, वो हमारा आवाज दिल्ली तक लेके जा रहे हैं और उनका काम है भारत के मुख्यमंत्री तक लेके जावे। हमारे यहाँ के नगर सेवक तुलसीराम जी शिंदे मेरे साथ काम करने वाले, आपको सबको याद है हमारे प्रेम सिंह जी, आज इनका वो दरिंदे ने क्या हालत किया देखो, झूठा झूठा ये करके इज्जत वाले आदमी को क्या होता है पता है, झटका आता है झटका, वो विकलांग हो गए हैं, वो कायदे से कायदे कानून से भरी हो गए, चोर ये नहीं चोर वो है जो आज भागे भागे फिर रहे। हमारे कला दिग्दर्शक सीताराम मिस्त्री जी आए हैं, जोरदार भाई जा रहे हैं। आज दो साल से एक अलाइड मजदूर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, गजानन कीर्तिकर जी के मार्गदर्शन के नीचे मेरे साथ वाले अनिल मोरे जी हमारे कार्याध्यक्ष है, हमारे एडवाइजर शरद राणे जी है, दूसरा एडवाइजर हमारे संजोग सिंह जी है और कई डायरेक्टर बॉडी है जैसे सीताराम जी मिस्त्री घोड़के साहब विजय घोड़के साहब ऐसे कई लोग हमारे साथ हाथ जुड़ के काम कर रहे हैं। वैसे हमारा सुनील कस्बे हमारे सुनील थड़े जी का मैं आभार प्रकट करने वाला हूँ। सुनील कस्बे एक मेकअप आर्टिस्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, कई यूनियन हमारे साथ अब आ रही है भावुक के नेतृत्व के नीचे, आहिस्ता आहिस्ता जैसा हम लोग काम कर रहे हैं वैसा आ रही है। आज हमारे लिए भाव ने जो किया इसके लिए आज हम लोगों को यह मंच दिखने को आपको लगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज हमारी कोर्ट में केस चल रहे हैं, भाव अपने तरफ से कीर्तिकर साहब अपने तरफ से जी जान से लड़ रहे हैं हमारे लिए, फिर वो मंत्रालय होने दो, कामगार आयुक्त होने दो, पुलिस स्टेशन होने दो, हमको पिता के शरीर ऐसा छत्र छा रखा है, बोले तुम लड़ो मैं तुम्हारा साथ हूं। आप डरने के दिन गए और हम लोग डरे क्यों, सरकार हमारी है भाई, वो कुछ भी बोले दरिंदा। आज सत्य मैडम यहाँ पर आई है, वो भी बहू से सरकार से गुहार लगाने आने वाली है कि ये लोग जो छूट रहे हैं वो समाज में हमारे वर्कर में गलत मैसेज जा रहे हैं, ये उन्दीर चूहे पिंजरे में होने चाहिए, वो बाहर गटर में क्या कर रहे हैं गंदगी। तो मैं ज्यादा भी टाइम नहीं लूंगा, अभी हमारे अनवर भाई दो सर आपके सामने बोलेंगे और फिर जैसे जैसे हमारे प्रति निधि आए सरकार के ये हमको आश्वासन देंगे। भाऊ आम्ही तुम्हाला जे निमंत्रित केलं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं भाऊ को बोल रहा हूँ, आप सरकार के प्रतिनिधि है, हमने आपको अलाइड मजदूर ने यहाँ पर निमंत्रण किया है, हमको आज आपसे सभी लोगों से आश्वासन चाहिए, सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे,
ये दरिंदे समाज में वापिस नहीं दिखना चाहिए, ना फिल्म इंडस्ट्री में दिखना चाहिए, बराबर है? मैं अनवर भाई से गुजारिश कर रहा हूं दो शब्द बोल। मी याठिकाणी आमच्या सोहळ्याला उपस्थित आमचे सन्माननीय आमदार प्रकाशजी सुर्वे साहेबांचे या ठिकाणी सन्मान करावा अशी विनंती करेल। या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना संबोधित करतात सन्माननीय आमदार प्रकाशजी सुर्वे। छत्रपती शिवाजी महाराज, लखनऊचे शिवभक्त बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू विस्तार बाळासाहेब ठाकरे यांनी वंदन करून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देशामध्ये भाजप प्रमाणाचे काम करणारे मुख्यमंत्री उद्धव मुख्य ठाकरे साहेब, या विभागाचे पालकमंत्री, पर्यावरण मंत्री, युवासेना प्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे यांना वंदन करून मंचावर बसलेले तुमच्या आमच्या सर्वांचे लाडके खासदार आणि ह्या युनियनचे प्रमुख, एलेट युनियनचे प्रमुख, ज्यांच्या आधार घेऊन ज्यांचा पूर्ण पाठिंबा घेऊन आपण लढत आहात असे आमचेसुद्धा ज्येष्ठ वरिष्ठ नेते गजाननजी गंतीकर, या युनियनचे अध्यक्ष तुमचे प्रेमसिंग ठाकूर, आमचे विभाग प्रमुख आमदार आणि त्यांना त्यांच्याकडे आता एवढी पद आहेत की 4-5 मिनटं बोलावं लागेल असे विलासभाई पोतनीस, विद्याताई चव्हाण, माझा मित्र लहानपणीचा मित्र आज जो आपल्यामध्ये नाही आहे ज्याला आत्महत्या करावी लागली, आत्महत्या करायला प्रवृत्त केलं असे कैलासवाजी राजू साखते, त्यांची मिसेस, त्यांची दोन मुलं, आमच्या नेत्या विद्याताई चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाडकर साहेब, सतपाल साहेब उर्फ बुवा, बुवा म्हणून त्याला तुम्ही जास्त ओळखता, आणि मायाबरोबर आलेले माझ्या सुद्धा युनियनचे, तुमच्याबरोबर आमची सुद्धा एक युनियन आहे छत्रपती कामगार सेना युनियन, त्यांचे सेक्रेटरी पद्माकर सूर्यवंशी, आणि जमलेले तमाम सर्व एलेट युनियनचे पदाधिकारी। खरोखर ही फार गुणास्पद गोष्ट आहे की कैलास राजू साप्ते कैलासवाशी यांना आत्महत्या करायला कोणीतरी भाग पाडलं। आत्महत्या करत असताना त्यांनी तसा व्हिडिओसुद्धा व्हायरल केला, एवढे आत्मनाद त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले की एखाद्या माणसाला जीव द्यावा असा वाटतो, जगण्यामध्ये काय सारस्य होतं? अशा लोकांना धडा जरूर शिकवला पाहिजे। आता कोणी असो, कितीही मोठा असो, कायद्यापेक्षा कोणी या जगामध्ये मोठा नाही, आणि भाऊ त्याचे सर्व कितीकर साहेब त्यासाठी पूर्णपणे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात, आणि आता आम्ही सुद्धा तुमच्या बरोबर एकत्र आहोत, त्यामुळे तुम्हाला चिंता करायची गरज आहे। मला माहिती आहे की प्रोडक्शनवाले बऱ्याच लोकांचे पगार सुद्धा वेळेवर देत नाही, 6-6 महिने पगार तगड ठेवतात, देत नाहीत, काही लोकांना तर मिळत सुद्धा नाही, डायरेक्टर लोक सुद्धा असेच करत असतात। तर ह्याच्यावर कुठेतरी अंकुश आणला पाहिजे, म्हणून तुम्हा आम्हाला सर्वांना एकत्र आणलं पाहिजे। माझ्या युनियन बरोबर असणारे 6,500 वर्कर्स त्यांनीच, मी त्यांना सांगितलं होतं, प्रेम प्रोडक्शन वाल्यांनी 20-25 लोकांचा पगार दिला होता, तो पगार घेऊन त्यांनी चांगलं काम केलं। संतोष जैन प्रोडक्शन त्यांनी सुद्धा असंच केलं होतं, ते सुद्धा दमदाटी करून पगार देत नव्हते, त्यांना पगार देण्याचं काम केलंय। तर आपण ह्या सर्व गोष्टीची दक्षता घेतली पाहिजे की आपल्या कामगाराला पगार मिळतोय की नाही, आपल्या कामगारावर कुठे अन्याय होतोय का, हे सर्व तुम्हाला आम्हाला आता बघावं लागणार, आणि समोरच्यांची दादागिरी आपण चालून द्यायची नाही। घाबरायचं कारण काहीच कारण नाही, तुमच्या बरोबर महाआघाडी सरकार पूर्णपणे तुमच्या पाठीची खंबीरपणे उभं, एवढे सर्व आमदार खासदार तुमच्यावर, आणि भाऊ तर लढवय आहेत, ते पोतनीस साहेब आमचे आहेत, ते पण ते युनिवर्स सातत्याने चालवतात, असे विद्यार्थी चव्हाण आहे, असे सर्व आम्ही लढणारी लोक आहोत,
त्यामुळे तुम्हाला कोणालाही घाबरायची गरज नाही. तुम्ही तुमचं काम करत राहा आणि येणारी निवडणूक सुद्धा आता पुन्हा निवडणूक लागेल कदाचित भाऊ ते सर्व करतील तर तेव्हा एक दृष्टांनी तुम्ही आपला पॅनल निवडून आला पाहिजे त्याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजे. नंतर आपण नुसते संख्येने जास्त आहोत असं होता कामं नाही, शिस्तबद्ध कायदेशीररित्या आपलं पॅनल कसं येईल याच्याकडेच आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. मध्ये मिथुन चक्रवर्तींची पण आमची भेट झाली होती, ते सुद्धा आपल्याला मदत करायला तयार होते, त्यांना सुद्धा आपण बरोबर घेऊया. सर्वांनी बरोबर येऊन आपल्याला हा लढा जिंकायचा आहे आणि कामगारांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. आम्हाला कोणाला काय नको, भाऊला काय नको, मला काय नको, आम्हाला कोणाला काय नको, पण हे जे कामगार आहेत, जे कष्टकरी कामगार आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि आमचा पक्षही महाविकास आघाडी हा न्याय मिळवून देण्यासाठी तुमच्या पाठी खंबीरपणे उतर आहे असं मी आश्वासन तुम्हाला देतो. बुवा आणि त्यांचे सर्व सहकारी आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, तुम्ही चिंता करायची गरज नाही. जिथे जिथे गरज पडेल तिथे ते आम्ही आमची माणसं तुमच्याबरोबर जरूर देऊ, तुम्ही काय घाबरायचं कारण नाही. आणि आपल्या नेतृत्वाचा भाऊ करतायत पण प्रश्न येत नाही, सरकार आपलं आहे, चिंता करायचं कारण नाही. पण तुम्ही सर्वांनी एकजुटीने राहा, किंवा एकजूट ही सर्वात महत्त्वाची गुरुकिल्ली आहे, त्याला हे सर्वांना आपण एकत्र राहून हा लढा देऊया. आणि दुसरी विनंती मी अशी करणार आहे, कैलासवासीचे राजू साप्तेजी माझे मित्र लहानपणापासूनचे, आता त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न समोर आलेला आहे, तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्या दोघांच्या युनियनमधून काय आपण त्यांना सर्वत्र आम्ही सर्व नेते एकत्र बसून विचार करून त्यांनासुद्धा काहीतरी आपल्याला उदरनिर्वाहाचं साधन करून दिलं पाहिजे किंवा काहीतरी रक्कम त्यांनासुद्धा दिली पाहिजे. कारण आज आपल्यातला एक गेला उद्या दुसरा जाईल नाही तर मग आपल्यावर राहणार कोण, म्हणून त्यांनासुद्धा मदत करणं हे तुमच्याने आमचं कर्तव्य आहे असं मी समजतो. आणि पुन्हा एकदा युनियन आपली जिंदाबाद असं बोलतो. अलर्ट युनियन, अलर्ट युनियन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा. या ठिकाणी आपण खरंच आपल्या सर्वांचं पाठबळ आहे, त्यामुळे नक्कीच आम्ही या ठिकाणी यशस्वी होणार. मी सन्माननीय सचिव निशांत सकपाळ साहेब, चांदसे कॅप आणि दुलाई राजे यांना विनंती करतो की आपण प्रकाश दादांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. जोरदार टाळ्या प्रकाश दादांसाठी. प्रकाश दादा सुर्वे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होत होत्या. सन्माननीय कार्य सम्राट आमदार यांचा सन्मान या ठिकाणी सचिव निशांत सकपाळ, चांदसे आणि दुलाई राजे यांच्या हस्ते होत आहे. आपण आता थोडस मुख्य सोहळ्याकडे वळूया. मी सन्माननीय अर्थात सचिव लाडके बुवा अर्थात निशांत सकपाळ साहेब यांनी आपल्या मनातल्या भावना व्यक्त केलेल्या आप सबके मन में जो बात है वो सब बात यहाँ पर हमारे सन्माननीय नेता निशांत सकपाल साहब ने हमारे भाऊ के सामने, विद्याताई के सामने, सभी हमारे मेहमानों के सामने रखा है. क्योंकि आज सरकार के जरिए हम हमारे सभी सवालों को हम यहाँ पर मिटा सकते हैं. मला एकच सांगायचं वाटतं की ज्यावेळी आमच्या पार्टीची सरकार असतं त्यावेळी नक्कीच आम्हाला असं गंभीर नेतृत्व लागतं आणि ज्यावेळी भाऊसारखं नेतृत्व आमच्या पाठीशी आहे त्यावेळी नक्कीच आम्ही या ठिकाणी पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही. लाख संकट आली तरी आम्ही डगमगणार नाही. अरे लाख संकट आली तरी आम्ही डगमगणार नाही, कारण आम्ही खऱ्या अर्थाने आमचे दोन हात या ठिकाणी मिळालेले आहेत. एक आहे आर्ट डिरेक्टरचा, कला दिग्दर्शकाचा, आणि या कला दिग्दर्शकाला खऱ्या अर्थाने साथ तुमच्या सारख्या कामगारांची आहे. एका हाताने कधीच टाळी वाजत नाही, एका हाताने कधीच टाळी वाजत नाही. टाळी वाजवण्यासाठी दोन हात लागतात, एक हात आर्ट डिरेक्टरचा आहे तर एक हात तुमच्या सारख्या कामगारांचा आहे. त्यामुळे ही अलाइड युनियन अशी पुढे गेल्याशिवाय, कारण या दोन हातांना साथ या सगळ्या मान्यवरांची आहे, या दोन हातांना साथ या सगळ्या मान्यवरांची आहे. म्हणून मला असं वाटतं की 39वा वर्धापन दिन साजरा करतोय, 39 म्हणजे 3 आणि 9 अर्थात या दोन्हीची टोटल मारली तर होते 12. आणि जिथे आहे आम्हाला सरकारचा सहारा तिथे वाजवूया आम्ही आमच्या विरोधकांना 12. अर्थात त्यांचे 12 वाजवल्याशिवाय हे नियम राहणार नाही. मी सन्माननीय सचिव निशांत सकपाळ साहेब आणि आमचे अध्यक्ष प्रेमसिंग ठाकूर साहेबांना विनंती करतो. मी सन्मानाने आमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार विलाजी पोटीस साहेबांना विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्याव्या. जोरदार टाळ्या सन्माननीय आमदारांसाठी. महाराष्ट्राचा आनंद देवत छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदुराज सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापुढे नतमस्तक होऊन आजच्या या फिल्म स्टुडिओ सेटिंग अँड अलाइनमेंट मंत्रिमंडळाच्या 39वा वर्धापन दिन
या प्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक, या विभागाचे लोकप्रिय खासदार माजी माननीय गजानन कीर्तिकर, आमदार प्रकाशदादा सुर्वे, विधान परिषदेमधील माझ्या सहकारी माजी आमदार विजयताई चव्हाण, या युनियनचे मगाशी कीर्तिकर साहेबांनी सांगितलं की पॅनल जोरदारपणे ज्यांनी निवडून आणलं त्या युनियनचे अध्यक्ष प्रेमसिंग ठाकूर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे उपमहापौर आहेत वाडकर आणि आपण इथे जमलेल्या सर्व सभासद बांधवांना भगिनीनं, सुधीर प्रभूंनी आपल्या भाषणात सांगितलं की युनियनच्या याच्यामध्ये कशा तऱ्हेचा तुम्हाला त्रास होतोय, कशा तऱ्हेचा तुमच्यावर अन्याय होतोय आणि या अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी आम्ही सर्व शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी सर्व आमदार आपल्या पाठीमागे आहोत आणि युनियन चालवणं हे आम्ही देखील बँकिंग इंडस्ट्रीमध्ये गजानन कीर्तिकर आणि मी स्वतः आम्ही रिझर्व्ह बँकेत कामाला होतो, अनेक ठिकाणी युनियनवर अन्याय म्हणजे कामगारांवर अन्याय होत असताना तिथे एकतर व्यवस्थित अक्रॉस द टेबल टेबलवर बसून काही जर आपला प्रश्न सोडवत असेल तर त्या मार्फत आम्ही सोडवलेले आहे, नाहीतर आम्ही आमच्या पद्धतीने त्यांना जे युनियनचे तडाखे असतात ते मॅनेजमेंटला दाखवून तिथे प्रश्न सोडवलेले आहेत आणि असे अनुभवी माणसं आपल्या बरोबर आहेत. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत आपण सगळे एकत्र असलं पाहिजे. आपली एकजूट ही अतिशय महत्वाची आहे, एकमेकांवरचा विश्वास अतिशय महत्वाचा आहे आणि मग जर कोणी आपल्यामध्ये आलं, कोणी राजू साप्तेला आत्महत्या करायला लागली असं सांगितलं पण अशा तऱ्हेचा प्रसंग ह्यापुढे कोणावरही येणार नाही आणि जर कोणी ते दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला तर ही आमची महाविकास आघाडी त्याला पुरेपूर गाडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्याला जे जे प्रश्न असतील ती आम्ही विधानसभा आणि विधान परिषद मध्ये जी आम्हाला आयोजन दिलेली आहे ती वापरून आम्ही आपला प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू आणि रस्त्यावर देखील वेळ आली तर कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही लढाई करायची आमची तयारी आहे आणि आम्ही तुमच्या पाठीमागे सदैव असू अशा तऱ्हेचं आपल्याला आश्वासन देतो. 39व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्याला शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. मी यानंतर सन्माननीय चांजे शेख आणि शंकर साह यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय आमदार विलाजी पोतने साहेबांचे या ठिकाणी सन्मान करावा. जोरदार कळ्या जाऊ द्या. यानंतर अर्थात डॅशिंग नेतृत्व कर्तृत्ववान एक महिला स्त्री शक्तीचा खऱ्या अर्थाने ज्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांना पुढे गेलेलं अर्थात या विभागाचं लाडकं नेतृत्व विधान परिषदेच्या सन्माननीय सदस्य अर्थात जोरदार गाणे आमंत्रित करतो विद्याताई चव्हाण. आज यहाँ पर आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है आप सब लोगों को मालूम है कि साप्ते जी जिनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी उनको पहले तो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, उनके साथ उनके सब फैमिली मेंबर्स आए हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं यही जताने के लिए और कामगारों को उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं ये विश्वास दिलाने के लिए हमारे सम्माननीय खासदार गजानन कीर्तिकर जी, हमारे यहाँ के आमदार सुनील प्रभु जी, दूसरे आमदार प्रकाश सुर्वे जी और यहाँ पर उप महापौर वाडकर जी, नगर सेवक तुलसीराम जी और शाखा प्रमुख शिवसेना के हमारी महिला साथी भी हैं और सभी लोग यहाँ पर सन्मान्य सदस्य व्यासपीठ पर खड़े हैं बैठे हैं और यहाँ पर हमारे साथी अनवर जी, अव्वार जी, प्रशांत जी, हमारे साईराम और यहाँ पर जो ठाकुर जी है, सबका बुआ जी है जिन्होंने यहाँ पर मुझे नहीं आपको तो ये आना ही चाहिए, मैं तो आप सब लोगों के साथ हूँ
भले ही किसका नाम रह जाए, लेकिन आप सब लोग जो है यहाँ पर, मिश्रा जी है, सीताराम मिश्रा जी और सभी साथी, सीताराम मिस्त्री जी माफ करना, आज मुझे इस बात का बहुत एक दिलासा लग रहा है कि कामगारों की यूनियन जो है, अगर आप एक साथ जुड़ जाओगे तो आपको अलग करने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं। पिछले डेढ़ दो साल से यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, सारी फिल्म इंडस्ट्री ठप हो गई, कामगारों का काम बंद हो गया, ऐसे परिस्थिति में अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने घर परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ पर जो लोग गुंडागर्दी करते थे, कामगारों से परेशान करते थे, मुझे इस सब की जानकारी है। मुझे बहुत दुख होता है कि साप्ते जी जिस परिस्थिति से जा रहे थे, अगर हमें थोड़ी भी भनक होती, अगर थोड़ी भी कल्पना होती, अगर हमें जानकारी होती, तो हम लोग इस परिस्थिति से उनको बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अभी उनके घर वालों को, उनके पत्नी को, उनको बच्चों को, उनको माँ बाप के ऊपर जो गुजरी है, उसकी कमी कोई नहीं भर सकता। हर परिवार को अपना खर्चा, अपनी रोजी रोटी, अपना दुख का सामना करना पड़ता है। ताई हम लोग आप सबके साथ हैं, आपको कोई भी कष्ट हो तो हमें बताना, क्योंकि हमारे खासदार साहब हैं यहाँ पर, शिवसेना की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी आपके हर कष्ट को दूर करने की क्षमता रखते हैं। ये खाली फक्त तुम्हाला दिलासा देण्यासाठी सांगत नाही आहे, तर तुमच्या दुःखात सहभागी होणं म्हणजे तुमच्या परिवाराला ज्या समस्या येत आहेत त्यामध्ये आम्ही त्याच्यात आहोत। मला माहिती आहे रोजचे प्रश्न किती गंभीर असतात, आपल्या मुलांचं शिक्षण घेणं, आपल्या परिवाराला सांभाळणं, एक घरातला कर्ता मनुष्याने आत्महत्या केल्यानंतर अनेक प्रश्न त्यांच्या पुढे सामोरे असतात, आणि नुसतं एक श्रद्धांजलीची सभा घेऊन किंवा कामगारांना कामगारों के साथ हम लोग है ये कह के होने वाला नहीं है। आपकी कोई भी समस्या हो हम लोग उसमें आपका साथ देंगे, भले आपकी कमी कोई नहीं भर सकता। मैं यहाँ पर आप लोगों को हिम्मत दिलाना चाहती हूँ। मैं 21 साल से पिछले यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं थी, ना ही नगर सेविका थी, ना ही आमदार थी, ना ही कुछ भी था, लेकिन मैंने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई दी है। गरीब कष्टकारी श्रमजीवी जितने भी लोग हैं, चाहे उनके झोपड़े टूटते हो, बड़े बड़े बिल्डर लॉबी उनका साथ देती है, तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होके मेरे साथ गरीब औरतें लड़ी, गरीब श्रमजीवी लोगों के लिए ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। और आप कामगारों को, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है पूरे मुंबई शहर में, पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में, जिस फिल्म इंडस्ट्री का नाम है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, मैंने सुना था सलमान खान है, चाहे यशराज फिल्म्स है, इन्होंने जो पैसा आप लोगों को लिया दिया कि भाई आपका घर चलना चाहिए, ये लॉकडाउन में आप कामगारों की परिस्थिति बहुत, वो खाने का काम भी ये गंगेश्वर और गैंग ने किया, और उसमें मैं तो नाम लेके बोलूंगी कि ये राम कदम इसमें शामिल है। इस राम कदम से बड़ा आमदार बन गया है वो। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे आमदार आज भी, जिनके पास भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, उनके पास होम मिनिस्ट्री थी, लेकिन इन्होंने पुलिस के ऊपर प्रेशर लाने का काम किया, इन्होंने हमेशा दबाने का काम किया, लोगों का साथ नहीं दिया। और आज दिन रात हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पुलिस का खाता है, पुलिस जनता की मित्र होनी चाहिए, हर गरीब की मजबूरी पुलिस ने समझनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। पुलिस के ऊपर प्रेशर लाने का काम भाजपा वालों ने किया, राम कदम ने किया, और ये जो दुबे है वो दुबे राम कदम के ऑफिस में काम करता था, वो यूनियन का सदस्य बन गया, और गंगेश्वर और ये लोगों ने धमकाने का काम किया।
हाँ अशोक दुबे तो ने, लेकिन ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम हम सब लोग अगर एक साथ आते, हमारे वो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जब रोजी रोटी किसी के छीनी जाती है, उस पैसे के ऊपर डल्ला मारा जाता है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उनकी जगह जेल में है, यहाँ पर नहीं। मुझे मालूम है सेटिंग लगाना कितना बड़ा काम होता है, आपको गेट के अंदर नहीं जाने देता है, आप लोगों को तकलीफ दी जाती है। ऐसी कोई भी तकलीफ आगे चल के आपको नहीं होगी, हमारे सब साथी यहाँ पर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी कामगार को कोई भी तकलीफ हो, उनके श्रम का पैसा है, अगर मेहनत करते हैं दिन भर, कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले या कोई भी किसी को ऐसे ही पैसा नहीं देता है, आपके मेहनत का पैसा होता है। सावते जी को 6 सेट्स का काम मिला था, आज डायरेक्टर थे वो, अच्छे काम कर रहे थे, तो उनको धमकाया कि भाई तुमको इतना काम मिला है, इतना करोड़ों रुपए कमाने वाले हो, तो उसमें से हमको पैसा चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए, तुम लोग का धमकाने का, दादागिरी करने का, गुंडागर्दी करने का, और उसका पैसा तुम खाओगे? ये किसी को इस तरह से पैसा देना बहुत बड़ी गलत बात है। पहले तो डरना छोड़ दो, देखो आप लोग भगवान कहे, अल्लाह कहे, चाहे और यीशु कहे, भगवान को मानते हो ना, तो अपनी मौत है ना वो तय करता है, जन्म देना और मौत आना वो हमारे हाथ में नहीं है। पहले डरना छोड़ दो, किसी से डरना नहीं, हम अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, अपना घर परिवार पालते हैं, अगर हमारे पैसे के ऊपर कोई हिस्सेदारी मांगता है तो नहीं सहेंगे। पुलिस किसके लिए, आपके लिए पुलिस है, पुलिस ने आपके लिए कम करना चाहिए, वो आपकी दोस्त होनी चाहिए, और आगे चल के होगी, किसी का कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आदरणीय शरद पवार की हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे शिवसेना प्रमुख जो बाला साहेब ठाकरे, और हमारे कांग्रेस के लोग, सोनिया जी का कांग्रेस, अगर एक साथ होते हैं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। अरे बहुत बोला महंगाई की मार, ये वो, और मोदी सरकार क्या किया है, ये सरकार ने आके इतनी महंगाई, लोगों को अभी दाल चावल खाना मुश्किल हो गया है, रोजी रोटी नहीं, पेट्रोल डीजल हर महंगाई, गैस सब बढ़ गए, लोग पहले से परेशान हैं, और ऊपर से आपकी परेशानी, हमारे रोजी रोटी के पैसे पे अगर आप दावा करेंगे, आप हिस्सा मांगेंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को साथ रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ आप लोगों को डरना, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हम सब लोग अगर साथ होंगे तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी एकता तोड़े, सिर्फ आप एक साथ रहिए। अगर कोई धमकाता है तो हमें जानकारी दीजिए, हम उसका बंदोबस्त करेंगे। धन्यवाद। हेलो, क्या बात है ताई, ताई ने एक जोश पैदा कर दिया है। अगर साथ ऐसा है तो आगे बढ़ने में क्या मुसीबत होगी। अगर मुसीबतों का सामना करना है तो इन लोगों की हमें साथ चाहिए, और ऐसे साथ हमारे साथ है, तो एक बार जोरदार तालियां विजय ताई के लिए भी होनी चाहिए। मैं सम्मानीय यहाँ पर गेलू बलानी जी, जाकिर भाई और विजय सिंह गावकर, इनको मैं तहे दिल से कहता हूँ कि हमारे ताई का यहाँ पर स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां ताई के लिए। सम्मानीय आमदार विद्या ताई चौहान, ये प्यार का प्रतीक है। खरं म्हणजे एकच मला असं वाटतं, मराठीमध्ये म्हणतात की ज्यावेळी पाठीशी सगळी मंडळी असतात त्यावेळी आपल्याला पुढे जाताना कुठेच अडचण येत नाही, और जिस समय ऐसे लोग हमारे पीछे तो उधर डरने की बात नहीं है, हमें डराने वाले बहुत आ जाएंगे लेकिन डरना नहीं है, मुसीबतों का हमें सामना करना है, और सामना करके आगे जाने वाले हम लोग हैं। हमारे पास ऐसे हाथ है कि जो हाथ हम लोग लाल किला तैयार कर सकते हैं, ताजमहल बना सकते हैं, तो हम मुसीबतों के लिए ये हाथ एक साथ आना चाहिए, ये पांचों उंगलियां एक साथ हो जाती तो उसको क्या कहते हैं, मुट्ठी कहते हैं, और ये मुट्ठी एक करके हमें सामना करना है। इसके बाद जिनका मार्गदर्शन हमें हर समय हर दिन हो या रात हो मिलता है, हमारे एडवोकेट सुहास सावंत साहब से निवेदन करता हूं कि यहां पर अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां सुहास जी सावंत साहब के लिए। मी सन्माननीय आमचे सन्माननीय लाडके खासदार बहुंचे स्वीय साहेब सचिव संदीपजी सावंत साहेबांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचे। एकदा जोरदार टाळ्या
आमच्या अलायड युनियनला वेळोवेळी सहकार्य करणारे सावंत साहेबांना मी विनंती करतो बघा. व्यासपीठावरील सन्माननीय पाहुणे खासदार श्री किर्तीकर साहेब, त्यानंतर आपल्या आमदार विद्याताई चव्हाण आणि इतर पदाधिकारी अलायड युनियनचे आणि त्याचबरोबर माझ्या कामगार भाई. देखो मैं जो अभी तक यूनियन की तरफ से जो कानूनन लड़ाई हो गई उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में कहना चाहता हूं. बात ऐसी है कि अभी तक गए 5 बरस में अलाइड यूनियन की तरफ से अनऑथराइज होके, आपको ये मालूम होगा 2017 में जो आपका इलेक्शन हो गया था फेडरेशन के अंडर हो गया था और वही सही इलेक्शन था. वो इलेक्शन होने के नाते भी कोई हैंड ओवर चार्ज नहीं किया, जिसमें प्रेम सिंह ठाकुर वगैरह और इधर लोग चुन के आए थे और उसके बाद में अनऑथराइज भी वो अपना अकाउंट हैंड ओवर नहीं करके अपन ही खुद चलाते हैं बेकायदेशीर का, इसलिए अपन कोर्ट में गए हैं. अभी तक जिनको जिनको ये सभासद मेंबरशिप से जो निकाला है वो सबको वापिस लेने का ऑर्डर अपनी तरफ से कोर्ट ने दिया है और प्रेम सिंह ठाकुर और इधर जो है अपने जैसा राजा पांडियन वगैरह है, यही लोग सही पदाधिकारी है, यही उनका कहना है कोर्ट का. कोर्ट में हाईकोर्ट में भी ये मैटर अभी चालू है. कहने का मतलब ये की है कि जो जो एक्शन अभी तक लिए गए हैं उनकी तरफ से वो रिवर्ट बैक हो गए हैं, वो वापिस लेने का डायरेक्शन है और वो हिसाब से जो अपना मेंबर है वो सही तरीके से कंटिन्यू मेंबर ही नहीं मगर ऑफिस बेरर भी वो कंटिन्यू रह सकते हैं. अभी तक अपने जो क्रिटिकल साहब है वो बहुत दफा लेबर कमिश्नर के यहाँ भी गए थे, उनके तरफ से जो भी कोई डायरेक्शन आया उसका बहुत अपन को कुछ सहकार्य हो गया और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जो भी कुछ कार्रवाई हो गई. मगर ये लोगों का इतना जो रवैया है इतना एकदम खराब है. क्या आपको मालूम है कि 2 जुलाई को जो इंसिडेंट हो गया जिनका फोटो लगाया अभी यहाँ, तो उसके बारे में ये जो उनका तरीका है काम करने का कि पैसा देकर काम करो, ये जो बात है वो किसी को भी मान्य नहीं है. उसके बारे में अपन जो इंडस्ट्रियल कोर्ट है अभी ये उत्पल साहब आया है उनके सामने मैटर चालू है, इसका निर्णय भी अभी 4 तारीख को है, ये आने वाली 4 तारीख को. कहने का एक ही मतलब है अभी तक अलाइड मजदूर यूनियन की तरफ से 2017 से जो जो एक्शन ले गया है अपने मेंबर लोगों के अगेंस्ट वो गलत है, ऐसा डिक्लेरेशन कोर्ट ने दिया है. बाकी का कार्रवाई चालू है. मुझे एक ही कहना है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो और डायरेक्शन ले रहे हो, अपना जो लीडर लोग है उनका जो डायरेक्शन के हिसाब से अपन चल रहे हैं, फुल स्टॉप अपना पीसफुली अपन चल रहे हैं वैसे जाने का, और कानूनन कार्रवाई जो है सभी का निर्णय आ जाए का बाकी है तो वो निर्णय आ जाएगा. आखिर जीत अपना ही होगा, संगठन अपना मजबूत होना चाहिए क्योंकि जैसा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषध दिया जाता है बीमार आदमी को जल्दी अच्छा होने के लिए, वैसा अपनी तरफ से लीगैलिटी भी है. बाकी का सब जो अपने कार्यकर्ता है जो अपने मान्यवर नेता है उनका पूरा सहकार्य अपने तरफ से है. कहने का एक मतलब ये कि अभी ये हफ्ते के बाद में बहुत सा ऑर्डर जो है वो अवेटेड है, आपको एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर बाकी का जो ऑर्डर है मालूम पड़ेगा. अपनी तरफ से ये पूरी कार्रवाई कानूनन है और उनके तरफ से जो भी हो गया है अभी तक कम से कम 70 लोगों को निकाला गया मेंबरशिप वाले को, वो भी गलत है ऐसा कोर्ट का कहना है. आप पूरा सहकार्य दो, कानूनन लड़ाई में अपना जीत हो जाएगा और अभी जो माहौल तैयार हो गया उसको पूरा सहकार्य करो, यज्ञ करो, अपना जो लीडरशिप है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा और अपना कार्य प्रतिनिधि है उसका आखिर में विजय होगा. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहब. मैं सम्माननीय खासदार हमारे लाडले नेता गजानन जी कीर्तिकर साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारे एडवोकेट सुहाजी सावंत साहब का यहाँ पर सम्मान किया जाए. एक बार जोरदार ताली
सावर साहब के लिए होनी चाहिए। जयकांत जी शुक्ला साहब इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनके लिए भी एक बार जोर दाता लिया जयकांत जी शुक्ला साहब के लिए। दोस्तों आज हम लोग सब मुसीबत में हैं और इस मुसीबत में हमें सहारा देने के लिए हमारे मार्गदर्शक किया गया हमारे लाडली संसद याठिकाणी अर्थात महाराष्ट्राचे ओळख अर्थात कुस्तीतून लाल मातीतून कुस्तीपटू किशोर भाऊ यांचं आगमन झालं। एकदा जोरदार टाळ्या आमच्या वल्लभ किशोर भाऊ यांच्यासाठी झाल्या पाहिजेत। मी भाऊंना विनंती करेल आपल्या या राष्ट्रीय खेळाडूचा या ठिकाणी सन्मान करावा। एक बार जोरदार तालिया। कुस्तीपटू किशोर भाऊ यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतोय। भाऊंना विनंती करेल आपण त्यांचा सन्मान करावा। भाऊंच्या हस्ते या ठिकाणी आपण सन्मान करतोय। एकदा जोरदार तालिया म्हणजे जोरदार तालिया। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचं नाव ज्यांनी खऱ्या अर्थाने उज्ज्वल केलं ते भारताचे महान खेळाडू अर्थात कुस्तीपटू किशोर भाई यांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करतोय। किशोर आणि बहिणींना उद्या काहींना सर्वांना मिळून बघतो की आपण त्यांचा सन्मान करावा। यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करेन सन्माननीय काँग्रेसचे जयकांत शुक्ला साहेब आलेले आहेत त्यांचाही सन्मान आपल्या अलाइड मजदूर युनियनच्या वतीने आपण करत आहोत। सन्माननीय सचिव ईशानजी सन्मान साहेबांना विनंती करतो की आपण शुक्ला साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करावा। चालेल दोघे पण करा। तालियों की आवाज होनी चाहिए। यानंतर भाऊ खरं म्हणजे प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक व्यथा आहे आणि व्यथा प्रत्येकाच्या ओठून येत आहे। असाच एक कारागीर अर्थात ज्याच्या हात या आर्ट डिरेक्शन मध्ये आहे अर्थात रामविलास पोतदार आपल्या मनातली व्यथा तुमच्यापर्यंत या ठिकाणी पोहोचवत आहेत। आइए मजदूरों के साथ क्या क्या शोषण हुआ अभी तक 2013 से लेकर अभी तक। उस चुनाव जीतने के बाद राम कदम जी आए हमारे चेयरमैन, उनका भाषण बहुत दिलचस्प लगा हमको सुनने में। बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। बोले मैं इतना बड़ा हूं और डेट जितना मैं खड़ा हूं उतना गहराई तक मैं हूं। आपका 3400 रुपया मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, इसको सुरक्षित रखने के लिए आया हूं। हाँ 3400 रुपया और बहुत बहुत से बातें बोले। उसके बाद आज तक हम लोग वर्कर भाई को सूदी नहीं लिए। धनंजय सिंह आए देवी नगर यूनियन में, उनके स्वागत में 5 लाख का पटाखा फोड़ा गया। हमारे गजानन किन्नी साहब जी को और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको नहीं मालूम होगा इस बात को। उसका फोटो था धनंजय सिंह को, उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन। मैंने इसका विरोध किया। एक्सप्रेस जोन में मैं जेबी नगर में मैंने विरोध किया। बहुत 25 रुपया का जो आपका जो चेक आता है उसमें का मैंने विरोध किया। बोला भी किस बात का, राकेश मोर्चा पर ये मोर्चा का टैक्स है, रंगदारी टैक्स। उससे पहले हमारे ये थे जनरल सेक्रेटरी चौले साहब, वो भी जमा करते थे यूनियन में, ये बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे पैसा, कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन ये जो 25 रुपया का गया राकेश मोर्चा का रंगदारी टैक्स, मैं विद्याताई चौहान जी का को मैं 2 साल से पहचानता हूँ, इन्होंने मेरे साथ जो दिए
पुलिस कमिश्नर के पास गए इनके साथ हम लोग, प्रेम जी थे उस समय, बहुत से कंधे में कंधा मिला के जो विद्या पाई ने जो साथ दिया, हालांकि हम वर्कर है, हमको नहीं पहचानते हैं, ठीक है, बहुत साथ दिए, ये मैंने कहने का मतलब ये दुर्गा का रूप में अवतार लिए हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिए हैं, और हमेशा साथ पहले से भी दिए थे, अभी भी देंगे, अभी तो इनकी सरकार है, सहयोग देना ही चाहिए। एक्सप्रेस जोन में आने के बाद वहाँ पर कितना वर्करों के साथ जो भी उनके पक्ष बोलता था, भाई ये हिसाब दो वो हिसाब दो, यहाँ का पैसा बाकी है, उसको पिटाई होता था वहाँ पर वर्करों के, वर्कर डर के मारे नहीं बोलता था कोई, भाई हमको यहाँ आए हैं बिहार से, यूपी से, मद्रास से, तमिलनाडु से या कर्नाटक से कमाने के लिए आए हैं, वो बेचारे दस रुपये चले आते थे। हमारे वर्जय श्रीवास्तव को अभी भी यहाँ फटा हुआ है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, इन पर कितना जुर्म किया गया। मैंने रामदास जी के पास गया, रामदास जी कोई नहीं, मेरा कदम भी नहीं सुने, राम कदम जी के बारे में जब आया था मैं इनको मैं हफ्ता दूंगा, मैंने इनका विरोध किया, हफ्ता क्यों, किस बात का, ये मजदूर का पैसा है, हफ्ता क्यों राम कदम जी का, आज तक चेयरमैन थे राम कदम जी, राम कदम जी चेयरमैन थे, एक बार भी वर्कर का सुध ही नहीं लिए, वो गंगू श्रीवास्तव, गंगू श्रीवास्तव महीने का 15,000 रुपये कमाने वाला, अभी 2 अरब का फ्लैट, दो अरब घोटाला हुआ है, 2 अरब का, मैं मंत्री जी से सबसे विनती करता हूँ, जिससे कि आप ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा छापामारी करवाइए, इंक्वायरी करवाइए, 2 अरब का संपत्ति कहाँ से आया, कोरोना काल में मजदूरों का क्या हालत हुआ था, सलमान खान जी ये ऐसा प्रोडक्शन, वो डायरेक्ट पैसा दिए, ट्रांसफर किए, हम लोग के जेब में आया, बैंक में आया, 50 करोड़ रुपया दिया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा, 50 करोड़ में 50 लाख भी नहीं बांटा गया है वर्कर को, ये मजदूरों का ऐलान, मजदूरों का मीटिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलने का मुझे हक है, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि उनको अभी सलाखों में बंद रहना चाहिए, अभी रोड पे घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू कार से रोड पे घूम रहे हैं, विद्याताई जी के पास बीएमडब्ल्यू कार नहीं होगा, किसीकर साहब के पास बीएमडब्ल्यू कार नहीं होगा, क्योंकि ईमानदार आदमी है, गरीबों के मसला है, लेकिन 15,000 रुपया का कमाने वाला महीना, 15,000 रुपया का कमाने वाला महीना वाला व्यक्ति, 2 अरब की बनारस में इतना सुंदर आलिशान भवन बना है, शायद आप लोग नहीं देख रहे वहां पर, कोई नहीं गए होंगे देखने के लिए, मैं गजानन मिश्री साहब को कहता हूँ ये बात, ये आवाज दिल्ली में उठाए, संसद में उठाए, उनके खिलाफ ईडी है, ईडी की छापामारी हो, राम कदम जी के पास छापामारी हो, योग वर्कर का चेयरमैन बैठे हुए थे, एक बार भी सुधी नहीं लिए, मीटिंग नहीं होता है, बोलने का तो बहुत है लेकिन मौका कम है, इसलिए इतना ही बात है, मैं अभी कहीं कर एकदा खरंच त्या कारागिरासाठी जोरदार मेळा झाला पाहिजे, आणि भाऊ आणि विद्यार्थी हे सर्व याच्यामुळे होऊ शकलं, तुमच्यासारखं नेतृत्व या अलाइड युनियनच्या पाठीमागं उभं राहिलं, म्हणून हा माणूस बिंदास या व्यासपीठावर येऊन समोरच्यांबद्दल बोलू शकला। अभी एकीकरण आहे, अभी उनके कदम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, अभी उनके नाम के ऊपर नहीं जाना है, उनके कदम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पीछे विद्याताई और गजानन भाऊ कीर्तिकर है, तो अभी किसी से डरना नहीं है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे रामप्रसाद जी के लिए, और इसके बाद एक छोटा सा सम्मान हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, हमारे डेढ़ साल में जिनका नेतृत्व हमें यहाँ पर मिला है, वो है निशांत बुआ सकपाल। यहाँ पर स्लम चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से आर के शिवा और उनके सभी सहकारी हमारे लाडले सचिव निशांत जी सकपाल साहब का यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाडले नेता अर्थात निशांत जी सकपाल साहब के लिए। आर के शिवा आणि त्यांचे सर्व सहकारी स्लम चिल्ड्रन एज्युकेशन ट्रस्ट
यांच्या वतीने आपण त्यांचा सन्मान करतोय. एक बार जोरदार तालियां बुआ के लिए होनी चाहिए, निशांती सकपाल साहब के लिए होनी चाहिए. फक्त दीड वर्षामध्ये ज्यांचं नेतृत्व या एरियाला लाभलं आणि कर्तृत्व आणि माणसं अशी लाभली, अर्थात त्यामध्ये ही सर्व मंडळी होती, सीतारामजी मेस्त्री, विजयजी घोडके, सुनीलजी तळे, मंगेशजी पवार, या सगळ्यांच्या साथीने ह्या एरियनचा अशीच गोडधोड पुढे चालू राहणार आहे. परंतु या ठिकाणी हे नेतृत्व जे लाभलं अध्यक्ष अर्थात प्रेमकुमारजी ठाकूर आणि कर्तृत्व आणि नेतृत्व ज्यांचं लाभलं ते निशांतजी सकपाळ. तालिया काम बज रही है, तालिया के आवाज यानंतर मी सन्माननीय भाऊंना विनंती करेल की ज्यांनी दिवस रात्र एक होऊन हा सोहळा यशस्वी व्हावा म्हणून प्रयत्न केले ते सर्व कला दिग्दर्शक आर्ट डिरेक्टर यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. भाऊंच्या हस्ते आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय, अर्थात शाखा समन्वयक आणि आर्ट डिरेक्टर सीतारामजी मेस्त्री. सीतारामजी मेस्त्री साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान भाऊंच्या हस्ते होत आहे. त्यानंतर सन्माननीय विजयजी घोडके, सुनीलजी थळे आणि मंगेशजी पवार या सर्वांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करतो. इन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. ज्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून अतिशय दिवस रात्र मेहनत केली ते कला दिग्दर्शक आर्ट डिरेक्टर सीताराम मेस्त्री, विजय घोडके, सुनीलजी थळे आणि मंगेश पवार. यानंतर मी भाऊंना विनंती करेल की आपण या ठिकाणी कैलासवाजी रासू साफ्ते यांच्या धर्मपत्नी या ठिकाणी आहेत. सोनाली ताईंचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. मी विद्याताईंना आणि भाऊंना दोघांना विनंती करतो की आपण सोनाली ताईंचा या ठिकाणी सन्मान करावा. तालिया की आवाज कैलासवाजी राजू साफ्ते यांच्या धर्मपत्नी अर्धांगिनी श्रीमती सोनाली राजू साफ्ते यांचा या ठिकाणी सन्मान करतोय आपण. सन्माननीय विजयजी घोडके कला दिग्दर्शक यांचा आपण सन्मान करतोय. यानंतर अर्थात ज्यांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी मोलाचं ठरणार आहे, एकदा जोरदार ठरवा होता आवाज नाही आले, मजदूर युनियन, मजदूर युनियन. अभी हमारे सबके लाडले नेता, हमारे सांसद शिवसेना के नेता और हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमान श्रीमंत गजानन भाऊ कर्णिक.